Hello students, welcome back. Today we are going to learn or today we are going to understand about one of the beautiful poems by John Keats. और ये poem का नाम है A Thing of Beauty. अब जब beauty का नाम आते ही I'm sure एक you know there's a positive feeling that comes inside us and there are a lot of students who think of different kind of beauties like flowers, leaves, gardens. तो हम लोग आज ये जो poem के बारे में समझने वाले हैं ये भी एक बहुत ही beautiful poem है. Let's understand about our poet and the poem. हमारे जो पोएट हैं जॉन कीट्स ये एक ब्रिटिश के रोमांटिक पोएट हैं. रोमांटिक पोएट डू नॉट टेक इन दैट सेंस, आई मीन यू नो लिटरली जो मीनिंग होता है रोमांटिक पोएट या रोमांस का. उस टाइम पे जब ये पोएट पोएम्स लिखते थे, स्पेशली रोमांटिक पोएट्स जो रोमांटिक पोएम्स लिखते थे, तो ये कोई लव रिलेटेड पोएम्स नहीं थी. रोमांटिज्म एक काइंड ऑफ एरा था उस टाइम पे लिटरेचर में. रोमांटिज्म क्या होता था या रोमांटिक पोएट्स क्या होती थी, जिस पोएम में काफ़ी ब्यूटिफुल चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया गया हो, लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया हो और बहुत ही लाइफ से जुड़ी जो अप्स एंड डाउन्स होती हैं, जो सुंदर चीजें होती हैं या जिससे हमें काफी प्लेजर मिलता है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया हो, वैसे होते हैं रोमांटिक पोएट्स या रोमांटिक पोएम्स. तो जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी थी. लेट मी टेल यू कि जॉन कीट्स एक्चुअली एक ट्रेंड सर्जन थे, पर देन आउट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने पोएम्स लिखना स्टार्ट किया और वो चाहते थे कि वो ऐसी बहुत ही सुंदर सी पोएम्स लिखे जिससे वो लिटरेचर से और इस नेचर से कनेक्टेड रहे. तो ये पोएम किसके बारे में है, एंड दिस पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी एक्चुअली इट्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एंडी म्यून अ पोएटिक रोमांस. ये एक बड़ी सी पोएम है एंडी म्यून, जिसका ये जो हम अभी पोएम करने वाले हैं थिंग ऑफ ब्यूटी उसका एक एक्सर्प्ट है, यानी कि एक छोटा सा पार्ट है, एक पार्शियल पीस है. एंडी म्यून क्या है, एक शेफर्ड. यू नो शेफर्ड्स क्या होता है, शेफर्ड्स जो शीप को संभालते हैं, शीप को लेके जाते हैं और यू नो उनका खाना वगैरह का चीज़ का वो दे टेक केयर ऑफ. सो बेसिकली क्या होता है कि जो शेफर्ड है वो इस पोएम में पूरा बहुत ही खुश होते हैं उस ब्यूटी से और वो गॉडेस मून करके बताया गया है, यानी कि चंद्रमा, उनको देख के वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उन्होंने वो उस टाइम पे कहा होता है उस नेचर के लिए, उन्होंने अप्रिशिएट किया होता है उस कुदरत को और वही बड़ी पोयम का ये है एक छोटा सा एक्सर्प्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो आई रीड इट. मैं कुछ लाइन्स आई रीड एंड देन आई एक्सप्लेन यू कि उनका मतलब क्या होता है. व्हाट डू दे सिंबलाइज. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. इसका मतलब क्या है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि एक कोई भी चीज़ जो काफ़ी ब्यूटिफुल है वो बहुत ही लंबे समय तक हमें खुशी देती है. एंड देन इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस. मतलब उनकी जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनकी वैल्यू इतनी बढ़ती जाती है और वो खुद में इतना अपग्रेड हो जाते हैं, अपस्किल हो जाते हैं कि इट विल पास इन टू नथिंगनेस. मतलब वो कभी भी खत्म होने नहीं होंगे. ठीक है, पहले हम लिटरल मीनिंग समझते हैं एंड देन बीच में इवेंचुअली आई ऑल्सो टेल यू कि आप इसको किससे रिलेट कर सकते हैं. सो इन पोएम्स में, इस पैराग्राफ में अभी तक थर्ड लाइन तक हमने क्या समझा कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो भी कोई खूबसूरत चीज़ है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा जॉय देती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है और ऐसा कभी भी नहीं होगा लाइफ में कि वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. बट विल कीप अ बावर शेड क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब भी कोई ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, वी हैव स्वीट ड्रीम्स अबाउट इट एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. इसका मतलब ये कि सी देखो, इसमें जो अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए हैं पोएट ने, काफ़ी अलग अलग एंगल से किए हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि दो लाइन्स में उन्होंने या चार लाइन्स में उन्होंने एक ही चीज़ को कहा है. उन्होंने इस चार लाइन्स में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में या काफ़ी सारे एंगल्स को पॉइंट आउट किया है कि जब हम खुश होते हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, gives us a pleasure. उसके अलावा एक हमें
एक अच्छी सी शांति मिलती है जो हमें काफी शांत रखती है. हमारे जो स्वीट ड्रीम्स हैं हम अच्छे से सोते हैं उस बारे में. एंड देन वी हैव गुड हेल्थ. ये जो गुड हेल्थ है वो भी एक तरीके का थिंग ऑफ ब्यूटी है, राइट? हम कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ. तो क्यों है? क्योंकि इफ आई एम कंप्लीटली ओके देन ओनली आई विल बी एबल टू स्पीक, आई विल बी एबल टू वर्क. इफ आई एम नॉट ओके आई विल बी सैड. तो जो मुझे चीज अच्छी लगती है करने के लिए मैं वो भी नहीं करूंगी. तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये अलग अलग चीजें हैं जो ब्यूटी सिंबलाइज करती हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने खूबसूरत चीज देख ली तो हाँ ठीक है वो है. वो खूबसूरती हमें खोजनी पड़ती है. और इस पैराग्राफ में अलग अलग एंगल से हमें बताया गया है कि एक्चुअली थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है. देयरफोर ऑन एवरी मोरो वी आर रेडिंग. इसका मतलब ये कि हर कल में, मतलब अभी कहते हैं ना कि हर दिन नई शुरुआत, तो हमारा दिन चाहे कैसा भी जाता है हम फिर सोते हैं, हम सपने देखते हैं, हम सुबह उठते हैं एंड वी रीड टुगेदर. रीडिंग का मतलब क्या होता है कि हम साथ में अपने सपने बुनते हैं, अपना काम साथ में करते हैं. चाहे वो कितना भी हम उस दिन पे दुखी हुए हों पर नेक्स्ट डे वी रिकलेक्ट आवर मेमोरीज. हमारे साथ जो भी कल हुआ अच्छा बुरा हम उसके बारे में सोचते हैं. बुरा हुआ तो हम चाहते हैं कि हम भूल जाएं, कुछ अच्छा हुआ तो हम उसको याद करके चलते हैं. अब ये फ्रेंड्स के साथ एप्लीकेबल हो, फैमिली में भी एप्लीकेबल होता है, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल कि हम हर सुबह उठते हैं और हम फिर से वो सपने बुनना, हम मेमोरीज रिकलेक्ट करना, हम मिलके सब काम करते हैं. अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. देखो फ्लारी बैंड क्या कहा है, देखो सी व्हाट हैपेंस इज, आपने फुलवारे तो देखे होंगे जो फूल होते हैं प्यारे प्यारे. हम कोई ओकेशन, ट्रेडिशनल ओकेशन आते हैं तो कैसे आप बाहर देखते हैं कि बहुत जगह पे फूल वाले होते हैं, हमें फूल बेचते हैं. हम उन फूलों का क्या करते हैं? आपने देखा है कि रिलीजियस जो स्पेशली है कि भगवान पे फूल चढ़ाते हैं हम, या कभी भी कुछ अच्छी चीज़ होती है हम बुकेस देते हैं, हम माला चढ़ाते हैं भगवान पे. तो ये सारी चीज़ें हमें टू द अर्थ कनेक्टेड रहती है. हम धरती पे भी फूल रखते हैं, राइट? उस पे भी फूल चढ़ाते हैं, धरती माता पे भी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, मतलब वो हम सबको जोड़े रखता है, ठीक है? हम सबको अर्थ से काफी जोड़े रखता है. स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज. आप देख रहे हैं मैंने हर एडवांस वर्ड का मीनिंग रखा हुआ है साइड में, आप वो देख सकते हैं. सो दैट यू पे अटेंशन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट एज वेल एंड दिस मीनिंग पार्ट एज वेल. सो दिस लाइन आई विल रिपीट इट वंस अगेन. स्पाइट ऑफ डेस्पिडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज. चाहे कितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स हो, कितनी भी नाराजगी हो, अपसेटनेस हो, ऑफ इनह्यूमन. इनह्यूमन क्या होता है? ऐसे हम कहते हैं ना ह्यूमैनिटी, यार उसमें तो ह्यूमैनिटी नहीं है, उसमें बहुत ह्यूमैनिटी है, शी इज लाइक फुल ऑफ ह्यूमैनिज्म. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमैनिटी क्या होता है कि प्यार, उदारता, हम किसी पे बेरहमी से पेश नहीं आते हैं, वो है ह्यूमैनिटी. तो इनह्यूमन या इनह्यूमैनिटी क्या होगा कि हम किसी से थोड़ा सा जास्ती कर लेते हैं, रूड हो जाते हैं, क्रूएल हो जाते हैं, राइट? तो ये है टू बीइंग इनह्यूमन. अब यहाँ पे आपको ध्यान पे आ रहेगा सलमान खान की ब्रांड बीइंग ह्यूमन, राइट? तो व्हाट इज बीइंग ह्यूमन? उनकी ब्रांड तो है, काफी फेमस ब्रांड है ये. बीइंग ह्यूमन इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू बी ह्यूमन. दिस मींस दे आर ट्राइंग टू बी जेन्युइन, दे आर ट्राइंग टू बी कंपैशनेट, दे आर ट्राइंग टू बी वेरी रियल एंड ट्रू. बीइंग इनह्यूमन इज कंप्लीटली द ऑपोजिट ऑफ दैट. सो व्हाट डज द पोएट सेज कि चाहे कितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है, रूडनेस है, क्रुएल्टी है यहाँ पे, एंड देर इज लैक ऑफ नोबल नेचर्स, लैक मीन्स कमी ऑफ ग्लूमी डेज. ग्लूमी डेज मीन्स सैड डेज, मतलब चाहे कितने भी बुरे दिन हैं, कितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं यहाँ पे, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज. अनहेल्दी, अब अनहेल्दी का लिटरल मीनिंग क्या है कि जो हेल्दी नहीं होता है वो. व्हाट इज अनहेल्दी? टेल मी नाउ, आई मीन यू थिंक, डोंट टेल मी बट यू थिंक व्हाट इज अनहेल्दी. अनहेल्दी मींस अब हम जो लेट तक बैठते हैं मोबाइल पे, दैट इज अनहेल्दी. हम लेट उठते हैं, 10-11 बजे उठते हैं, दैट इज अनहेल्दी. हमारा जंक फूड का खाना, दैट इज अनहेल्दी. ये सब लिटरल मीनिंग है, डिस्क्रिप्शंस है, आई मीन इसके डिस्क्रिप्शंस है ये. पर जब पोएट कहते हैं ना, तो पोएट के माइंड में काफी सारे एंगल्स होते हैं. आपको पता है अ पोएट, ऐसा मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा है, दैट अ पोएट कैन रीच वेयर सन्स रेज ऑल्सो डोंट रीच.
मतलब एक पोएट के थिंकिंग, एक पोएट के थॉट प्रोसेस की किरणें वहां तक जाती हैं जहां तक शायद सन की रेज भी नहीं जाती। तो ये एक्चुअली तो हाइपरबोल हुआ, राइट? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल, बट इसका कहने का मतलब क्या कि पोएट जब सोचते हैं तो बहुत ही आगे की, बहुत दूर की सोचते हैं, काफ़ी सारे एंगल्स को मैचअप करते हैं। सो यहाँ पे व्हाट इज अनहेल्दी, अनहेल्दी इज ऑल दोज थिंग्स दैट आर नॉट हेल्दी, नॉट बैड, आई मीन दे आर ऑल बैड, नॉट गुड, दैट इज अनहेल्दी। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, डार्कन्ड वेज क्या है? एकदम डिफिकल्ट टाइम्स या द रॉन्ग वेज, अनहेल्दी वेज। मेड फॉर आर सर्चिंग, येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। चाहे कितनी भी डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे कितना भी अनहेल्दी चीज़ें हो, चाहे कितनी भी ग्लूमी डेज हो, कितना भी अंधेरा हो, कितनी भी डिफिकल्ट टाइम्स हो हमारे लाइफ में, कितने भी रफ पैचेज हो हमारे, यू नो ऑन द वे, रफ पैचेज क्या होता है, जब हम रास्ते पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि रास्ते थोड़े से खराब होते हैं, रफ रहते हैं, रफ पैचेज। तो वॉट डू वी मीन बाय रफ पैचेज इन आर लाइफ? रफ पैचेस मीन्स हमारे उतार चढ़ाव, यू नो, कभी आप खुश हैं, कभी नहीं हैं, कभी खुशी कभी गम, सो दैट इज लाइक रफ पैचेस। तो पोएट यही कह रहे हैं कि चाहे ये जो भी अनहेल्दी चीजें हमारे साथ है, डिसअपॉइंटमेंट वगैरह है, जो शेप ऑफ सम ब्यूटी है, यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी, यू नो, इट विल मूव अवे फ्रॉम द सैडनेस। मतलब वो हमें फिर भी उन सबसे ऊपर लेके जाती है, इतनी कैपेसिटी है या इतना पोटेंशियल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी में। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। वो तो पहले तो ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ब्यूटी क्या है। एक्चुअली ब्यूटी इज़ इनडिस्क्राइबेबल, ठीक है? अगर हम यहाँ पे बैठ के स्टार्ट करें डिस्कशन तो ब्यूटी के बहुत सारे मायने आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। सो यहाँ पे ही इज़ डिस्क्राइबिंग वॉट इज़ ब्यूटीनेस, देन ही इज़ डिस्क्राइबिंग कि यू नो हमारी लाइफ में ब्यूटी कैसे आती है, कैसे हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एंड देन ही सेज दैट कितना भी उतार चढ़ाव आता है पर ये जो ब्यूटी है इसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो हमें सैडनेस से या डिसअपॉइंट से दूर लेके जा सकती है, इतना उसमें पोटेंशियल है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शैडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। आपको याद रहेगा मैंने जस्ट अभी वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि एक शेफर्ड के बारे में है। शेफर्ड जो है, पोएट ने ऐसा लिखा है कि वो जो पर्टिकुलर शेफर्ड है वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं उनकी ब्यूटी को। तो ये पॉइंट उसी से कनेक्टेड है कि मैंने आपसे कहा था कि वो मून से काफ़ी इंस्पायर्ड है। तो व्हेन आई से मून तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मून नहीं, वो पूरे नेचर से इंस्पायर्ड है। ओके, सो सच द सन मतलब ऐसा सूरज, ऐसा चांद, ऐसे झाड़, ऐसे ट्रीज, यू नो शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। फॉर सिंपल शीप का मतलब यहाँ पे क्या है, पोयम में लिटरल मीनिंग शीप तो इज शीप ओनली, बट देन यहाँ पे यू नो दे वॉन्ट टू सिंबलाइज फॉर सिंपल शीप मीन्स फॉर आस ह्यूमन बीन, क्योंकि पोयम में एक शेफर्ड है, उनके लाइफ में क्या है, शीप्स है, बड़ा सा ऐसा जगह है, नेचर है, सन मून है, ठीक है? पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पोएट का लिटरल मीनिंग तो काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी लिमिटेड होता है, बट उसका जो हिडन मीनिंग होता है, जो उसका एक्चुअली डिनोटेशंस है, कोनोटेशंस है, ये जो भी चीज़ रहता है काफ़ी डीप रहता है, और हमें उसको इसके लिए पोएम को दो बार पढ़ना चाहिए और उनके सारे हिडन मीनिंग्स हमें ढूंढने चाहिए। कभी भी पोएम काफ़ी डायरेक्ट नहीं होती, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, हमें समझना पड़ता है कि पोएट ने क्या सोच के ये कहा है और वो जो ये लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। सो यहाँ पे व्हाट डज ही वांट टू से दैट विद द ग्रीन वर्ल्ड इज आर फॉरेस्ट दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, यानी कि आपने देखा होगा एकदम यू नो कभी आप मरीन ड्राइव में गए रहेंगे या कभी ऐसे समुंदर साइड में आप बैठे रहेंगे विथ योर फ्रेंड्स, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट देर आर द वेव्स एंड द साउंड ऑफ दोज वेव इज सो मेजमराइजिंग दैट यू नो यू जस्ट गेट कैरिड अवे, यू फील लाइक अरे मैं बहुत देर यहाँ पे बैठू हूँ, आई एम फीलिंग सो गुड, तो यू एक्चुअली फील आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये यही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमें काफ़ी थिंग ऑफ ब्यूटी देती है। अब आप देखिए सब उन्होंने नेचर के बारे में कहा है, एवरीथिंग इज नेचर रिलेटेड, सन द मून डैफोडिल्स द फ्लावर्स द ग्रीन वर्ल्ड द क्लियर वेव्स यानी कि लहरें सब नेचर रिलेटेड है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक,
रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. इसका मतलब कि हमें एकदम ठंडी सी शेड मिलता है, भले घना जंगल हमें वो शेड ना दे पाए, लेकिन ये जो हमारे फॉरेस्ट ब्रेक है, यानी कि जो फॉरेस्ट में छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, उनसे भी हमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी मिल सकती है अगर हम उस नज़रिए से देखें तो. एंड ही ऑल्सो एड्स दैट रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज. ये एक मस्क रोज है जिसकी फ्रेग्रेंस इज वेरी नाइस, और उसका स्प्रिंकलिंग, यू नो व्हाट इज स्प्रिंकलिंग, जो हम इसे छिड़कते हैं, तो मतलब ये कि ये जो रोज है उसकी खुशबू जब छिड़कती है, दैट इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कितनी भी गर्म सीजन हो और यू नो कितना भी गर्म हो हमारे आसपास, लेकिन हम एक छोटे से पेड़ के नीचे, छोटे से प्लांट के अभी भी जाएंगे, तो हमें वो थिंग ऑफ ब्यूटी रियलाइज़ हो सकती है. ओके, एंड देन हमें काफ़ी वो कूल शेल्टर मिल सकता है. हम जब फ्लावर की खुशबू लेते हैं, या आजकल तो काफ़ी आर्टिफिशियल फ्लावर्स जैसे भी हैं, आर्टिफिशियल इन द सेंस कि यू नो वो कुछ केमिकल्स वगैरह डाल के आते हैं, उसमें ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं होती, बट जो ओरिजिनल फ्लावर्स रहते हैं, ओरिजिनल रोजेस रहते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस आप देखिए, यू नो हम ऐसे करते हैं, यू नो व्हाई डू वी डू दैट, व्हाई डू वी क्लोज अवर आइज, बिकॉज इट्स ब्यूटी. नो, जब भी कुछ ब्यूटी जैसी चीज़ आती है हमारे सामने, हम जब प्रे करते हैं तो भी हमारी आंखें बंद होती है. तो क्या है, इट्स अ साइन ऑफ ब्यूटी, प्रेयर इज ब्यूटिफुल. सो एवरीथिंग इज नेचर रिलेटेड. सो पोएट यहाँ पे काफी अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि पूरा नेचर जो है वो इतना ब्यूटिफुल है कि हम कितनी भी यहाँ पे जो हॉट सीजन बताया है, दिस नॉट जस्ट मीन कि इट्स अ गर्म वाला सीजन, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट यू नो वेन वी आर टायर्ड, वेन वी आर लेजी, वी आर डिसअपॉइंटेड, यू नो वी आर नॉट वेल एंड वी आर एनॉयड, उस टाइम पे हमें ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए हमें, आई मीन यू नो वी जस्ट लव दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज दीज आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पॉरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक. ब्यूटिफुल इट इज. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, यानी कि हमने सी यू नो वी हैव लॉट ऑफ पीपल इन आर लाइफ टू होम वी एडमायर अ लॉट, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, आप सबके लाइफ में भी होंगे, तो यू नो वो उनके साथ बात करना, उनको देखना, उनके साथ यू नो टाइम स्पेंड करना इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर ऑल ऑफ अस. तो इसमें क्या बताया है कि ऐसा ही है जो बड़ी बड़े लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, जब कोई बड़े लोग, यहाँ पे क्या है, पैसे वाले बड़े नहीं, दिल से बड़े वाले लोग भी, तो जब उनकी डेथ हो जाती है, वी हैव इमेजिन द माइटी डीड, उस टाइम पे हम रियलाइज करते हैं, ओ वाओ ही वाज अ ब्यूटीफुल पर्सन. जैसे मुझे अभी जो इंस्टेंटली आपको आपको ये बताते टाइम रिकॉल हो रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के लिए, तो हम आज भी, आई मीन यू नो मैं उनके बारे में बोल भी रही हूँ तो आई फील लाइक गूज बम्स. ही वॉज सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, उन्होंने एज अ टीचर जो जो काम किया है. तो पोएट भी वही कह रहे हैं कि जो बड़े लोगों की जब डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे भी हम जब बाद में उनको याद करते हैं, इट्स लाइक अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस, राइट, वी फील इंस्पायर्ड. हम काफ़ी इंस्पायर होते हैं उनके काम से कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है, उन्होंने इतना कुछ किया, हमें तो इतना करना ही चाहिए. So he talks about that. All lovely tales, like all lovely stories, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं, it's like endless fountain. Fountain, you know ना, फुआरा of immortal drink. Immortal मतलब अमर, drink मतलब you know अमृत, हम अमृत कहते हैं उसे. तो ये जो भी stories होती हैं बड़े लोगों की, जो भी fairy tales होती हैं, कहानियाँ होती हैं, वो हमारे लिए अमर है, अमृत है. ओके, मतलब हम उनको जब भी लेंगे, उस अमृत को जब भी लेंगे, हम यू नो हम पार हो जाएंगे, इसका मतलब ये है, और हम में वो थिंग ऑफ ब्यूटी आ जाएगी. पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंग, मतलब ये जो अमृत है ये आ कहाँ से रहा है, वो एक्चुअली ऊपर स्वर्ग से आ रहा है, हेवन्स ब्रिंग. या सो अब ये पोयम का लिटरल मीनिंग मैंने आपको बता दिया, बीच बीच में क्या सिंबलाइज कर रहे हैं वो भी बता दिया है. तो अब हम क्विकली विल जस्ट यू नो विद इन वन और टू लाइन्स आई विल लेट यू नो कि पोयम के बारे में क्या है. इट्स लाइक पोएट वॉन्ट्स टू से दैट हमारे आसपास में इतनी ब्यूटी है, इतनी ब्यूटी है, इट्स इमॉर्टल, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है. सिर्फ हमारे परसेप्शन के ऊपर है कि हम वो ब्यूटी को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड बिसाइड्स रिकॉग्निशन हाउ डू वी अप्रिशिएट द ब्यूटी. ओके, सो पोएट के लिए तो बहुत सारी थिंग ऑफ ब्यूटीज है, नेचर है, हमारे लिए क्या है, एक्चुअली हमारे लिए नेचर भी है, पर आज के
आज के डेट पे आई यू नो आई वंडर हाउ मेनी ऑफ अस वुड बी क्लोज टू नेचर. यू नो हमें से कितने होंगे जो डेली आधा घंटा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे. नेचर क्या, यू नो रिवर और यू सिट बिसाइड्स ट्रीज, यू गो टू गार्डन. कितने हैं आप में से, सोचिए. एंड यू नो क्वेश्चन योर सेल्फ दैट नेचर हैज अ वेरी वेरी असेंशियल रोल टू प्ले. इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ ब्यूटीज. ठीक है, तो पोएट के लिए नेचर तो है ही है, हमने देख लिया है. उसके अलावा उन्होंने बीच बीच में ये भी कहा है, स्पेशली जब उन्होंने लोगों की बात की कि जब वो व्हेन दे आर पास्ड अवे तो हम उनको काफी याद करते हैं. तो हम क्यों याद करते हैं उनको? यू नो आप भी सोचिए, अगर आपके लाइफ में भी किसी की डेथ हो गई होगी, अगर आज भी आप उनको याद करते हैं, आप खुद से पूछिए आप उनको क्यों याद करते हैं. ऑल आई मीन यू नो इट्स सो व्हाट डू यू से, इट्स वेरी नॉर्मल कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, दे हैव डन सम गुड डीड्स टू यू, दैट इज व्हाई यू रिमेंबर देम. सो इट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी. सो इवन वी शुड फॉलो दोज काइंड ऑफ डीड्स, इवन वी शुड फॉलो यू नो दोज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिससे पीपल शुड रिमेंबर अस. सो इवन दिस इज थिंग ऑफ ब्यूटी. थिंग ऑफ ब्यूटी इज एज आई सेड अनडिस्क्राइबेबल. बहुत छोटी छोटी चीज़ों में थिंग ऑफ ब्यूटी है. बुक्स पढ़ने से आप थिंग ऑफ ब्यूटी को रियलाइज कर सकते हैं. बुक्स पढ़िए, यू विल फील ब्यूटिफुल, यू विल हैव अ प्लेजर. या आप वॉक कीजिए, आप गार्डन जाइए, नेचर से कनेक्टेड रहिए. मॉर्निंग में एज सून एज यू वेक अप, 99% ऑफ यू विल जस्ट यू नो समझ गए आप, मोबाइल लेंगे एंड यू नो यू विल स्टार्ट द नोटिफिकेशन एंड एवरीथिंग. इट्स एक्चुअली अनप्लीजेंट, इट्स नॉट अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अर्ली मॉर्निंग व्हेन वी वेक, व्हेन एवर वी वेक, 6 o'clock, 7 or 8 o'clock, द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज प्रेयर एंड देन स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ. इंडिविजुअलिटी जो रहती है, आप अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर में बैठिए, अपने घर के बाहर देखिए, आसमान को देखिए, दैट इज थिंग ऑफ ब्यूटी. एंड देन यू विल रियलाइज दैट यू आर सो काम, आपका पूरा दिन देखिए कितना अच्छा जा रहा है. सो ये पोएट का यही मैसेज है. एंड देखिए कितना साल पहले उन्होंने ये लिखा है, पर आज भी ये पोएम कितनी फ्रेश लगती है एंड इट्स सो रेलिवेंट. तो यही पोएट्स का मैजिक होता है कि सालों साल सेंचुरीज तक भी वो हमें इन्फ्लुएंस करते रहते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. सी यू सून, बाय बाय. इज यू हब इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग हब. डाउनलोड द ऐप नाउ.